बात भिंड की है। सौरभ वाल्मीकि किसी काम से अपने घर से बाहर निकला था, लेकिन रास्ते में चार लोगों ने उस पर हमला कर दिया। हमला इतना गंभीर कि देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। और जब पुलिस इस मामले की जांच के लिए निकली तो नाम सामने आया मुकद्दर खान और उसकी साथियों का। इस मामले के बाद भिंड में वाल्मीकि समाज ने प्रदर्शन करना शुरू किया, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और तो और 24 घंटे के लिए अपने सारे काम बंद कर दिए। उसके बाद भी मात्र दो आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सका है। और जब मीडिया ने मामले में छानबीन की तो पता चला कि मुकद्दर खान अपने इलाके का बड़ा गुंडा है, शराब जुआ सट्टे का धंधा करता है और नेताओं से उसके संबंध बड़े अच्छे हैं। नेताओं को अपने समाज का वोट दिलाता है और इसके कारण इलाके में उसका दबदबा इतना है कि उससे पूछे बिना कोई कुछ काम नहीं करता। जब मांग बढ़ी तो पुलिस ने जाकर उसका घर गिरा दिया। पता चला कि उसने मोहल्ले के तीन और घरों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन एसडीएम साहब का कहना है कि हमने तो घर इसलिए गिराया क्योंकि उतने जर्जर हो गए थे कि बारिश में कभी भी गिर सकते हैं। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुक्त। ये कहानी, ये घटना बताने के पीछे का उद्देश्य ये है कि जब से मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म हुए हैं तब से एक के बाद एक लगातार इस्लामिक हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जब बात कार्रवाई की होती है तो सिर्फ हेडलाइन में यही दिखता है कि आरोपी का घर गिरा दिया। आज के वीडियो में हम दर्जनों मामले देखेंगे जो पिछले 7 महीने के अंदर सामने आए हैं और उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या घर गिरा देना सजा के तौर पर काफी है। छह दिसंबर 2023 बुधवार को दैनिक जागरण में खबर छपती है कि चुनाव खत्म होते ही मुस्लिम बहुल इलाकों में अपराध बढ़ने लगे हैं। शाहजहानाबाद और नारियल खेड़ा में व्यापारियों पर हमले हो रहे हैं और उन पर हफ्ता वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आरोपी असलम और गोलू ने व्यापारी पर चाकू से भी हमला किया था, जिसके बाद पीड़ित व्यापारियों ने थाना परिसर के बाहर प्रदर्शन किया। 7 दिसंबर को पत्रिका भोपाल में खबर छपती है कि भोपाल में मुस्लिम बदमाशों के हमले बढ़ गए हैं और भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया है। हमला फारूक शाहरुख, असलम बिलाल और आमिर ने किया। इन्होंने तलवार से मंडल अध्यक्ष के हाथ पर वार किया, जिससे उसके हाथ दो टुकड़ों में बट गए। कहा गया कि ये आरोपी विधायक आरिफ मसूद के समर्थक हैं। ये घटना 12 नंबर यानी भोपाल के बीचों बीच हुई थी। उसी दिन 7 दिसंबर को एक और खबर छपी पत्रिका में, जिसमें वीडियो वायरल करके हिंदुवादी नेताओं को जान से मारने की धमकी दी गई थी। यहां के जो आरोपी थे अकरम, उन्हें भी भोपाल के कांग्रेस विधायक का सहयोगी बताया गया, समर्थक बताया गया। 8 दिसंबर को राज एक्सप्रेस में खबर छपी कि बदमाश नसीम ने थाना प्रभारी को जान से मारने की धमकी दी। सीहोर के दोराहा थाना प्रभारी को वीडियो जारी करके जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद आरोपी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई और मामले का संज्ञान लिया गया, यानी कि पुलिस भी सुरक्षित नहीं। 9 दिसंबर 2023 को दैनिक जागरण में खबर छपती है कि सीहोर का मामला था। एक परिवार ने भाजपा को वोट दे दिया तो इस बात से गुस्सा एक मुस्लिम दंपत्ति ने उनके ऊपर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। पीड़ित की शिकायत करने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। स्वदेश भोपाल में 9 दिसंबर को खबर छपती है कि अनुसूचित जाति के एक युवक को अपहरण करके और उसका जुलूस निकाला गया। मुलताई का मामला है, जहां पे मुस्लिम युवक सोमिन शेख, आसिफ शेख, सुहेल ने और बिट्टू शेख ने एक युवक का अपहरण किया और उसका जुलूस निकाला। 16 दिसंबर को दैनिक जागरण में खबर छपती है कि भोपाल में फिर से भाजपा के कार्यकर्ता पर हमला किया गया। मामला गौतम नगर थाना का था, जहां पर भाजपा कार्यकर्ता विजय हरिवार पर आफताब ने जानलेवा हमला किया। विवाद इसलिए था क्योंकि गणेश पंडाल लगाना था और इसको लेकर अंजाम भुगतने की धमकी आफताब ने दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज करवाया गया और कार्यवाही शुरू हुई। 6 जनवरी 2024, दैनिक जागरण के सीहोर संस्करण में खबर छपती है कि सलमान और अरमान खान ने पानी से जुड़े विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी।
दोनों आरोपी पिता पुत्र थे और पड़ोसी महिला से इनका व्यवहार हुआ था, विवाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने उसकी हत्या कर दी। 8 जनवरी 2024 को पत्रिका में खबर छपती है कि खनिज माफियाओं का रास्ता बंद कर रहे डिप्टी रेंजर पर हमला किया गया। अब ये माफिया कौन थे ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। गंभीर हालत में भोपाल हॉस्पिटल रेफर किया गया। कलेक्टर रविंद्र दुबे, एसपी विकास और सभी लोग जितने अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने उससे बात किया, जिसके बाद ये कहा गया कि इस तरह के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये लोग कब्जा करने के लिए, खनन करने के लिए लगातार जंगलों का अतिक्रमण कर रहे हैं। इसमें नाम आया सरपंच पति तौफिक खान, मुश्ताक खान, सलीम, आदल, आरिफ, मुबारक और इसके साथ 30 से और 40 लोगों का। 18 जनवरी 2024 दैनिक भास्कर के राजगढ़ संस्करण में खबर छपती है कि अयोध्या जा रहे युवकों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि पहुंच नहीं पाओगे। ये युवक गुजरात से यात्रा पर निकले थे और साइकिल से अयोध्या जाने वाले थे। 19 जनवरी 2024 पत्रिका भोपाल में खबर छपती है कि आतंकी संगठन का हथियार बना एआई और डीप फेक टूल का इस्तेमाल करके युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। भोपाल मालवा सबसे ज्यादा संवेदनशील है। आपको बता दें कि भोपाल में पिछले 3 सालों में एक के बाद एक लगातार 30 से ज्यादा आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और इनमें से कुछ आतंकी तो ऐसे थे जो भोपाल में बैठकर स्लीपिंग सेल का मॉड्यूल चला रहे थे, युवाओं को ब्रेन वॉश कर रहे थे। 2 फरवरी 2024 को दैनिक जागरण के गुना संस्करण में खबर छपती है कि पिपलेश्वर महादेव मंदिर, जो हिंदुओं के आस्था का केंद्र है, उसमें तोड़फोड़ की गई। नाम सामने आया अनवर, वफाती, रिहान, जिशान और रईस का, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और कार्यवाही शुरू हो गई। मांग थी कि आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके बाद 16 फरवरी 2024 का मामला है जो नवदुनिया भोपाल में छपा कि बैतूल की एक आदिवासी युवक को उल्टा लटका कर बेरहमी से मारा गया। आरोपी भोपाल के रहने वाले थे। सोहराब और फैजल को पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रशासन ने सुहेल के घर के ऊपर बुलडोजर भी चलाया। स्वदेश में खबर छपती है 3 अप्रैल 2024 को भोपाल का मामला है, जहां मंचले जुनैद खान से परेशान होकर एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। जब इस मामले पर जांच शुरू हुई तो पता चला कि जुनैद उसे रास्ते में छेड़ता था और दोस्ती करने का दबाव बनाता था। 6 अप्रैल 2024 का मामला है, राजगढ़ से सामने आया था। यहां पर आमिर खान एक बच्ची का पीछा करता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था। जब उसके पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो पिता से भी मारपीट की गई। इस तरह की घटनाओं से आप समझ सकते हैं कि इस तरह का अपराध करने वाले मुस्लिम माफिया कितने बेखौफ हो गए हैं। इसी तरह खबर 6 अप्रैल 2024 को दैनिक भास्कर के विदिशा संस्करण में छपी थी, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मुस्लिम गुंडों ने जान से मारने की धमकी दी। बदमाश है पाप्पे पठान, उसका नाम है। उसने एक महिला के साथ मिलकर के उनके घर पर कब्जा किया हुआ था। जब इसकी शिकायत की गई तो जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि तुम तो ठीक है, पूरे के पूरे परिवार का जीना मुश्किल हो जाए। इसी तरह की एक खबर 16 अप्रैल 2024 को मध्य स्वदेश भोपाल में छपती है, जहां एक औरत ने अपने पति के साथ मिलकर ऊधम सिंह नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर उसे फोन करके अपने घर बुलाया और उसकी जान ले ली। इसके बाद पुलिस ने ना सिर्फ साहिला बी और जावेद को बल्कि उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार किया। खबर 15 मई 2024 को राज एक्सप्रेस में छपी थी, जिसमें बताया गया था कि मुस्लिम भूमाफिया ने ट्रैवल्स कर्मचारी पर हमला कर दिया। भोपाल के मिसरौद की घटना थी। जब तक ये खबर छपी थी तब तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई थी, लेकिन हिंदू समाज के संगठन इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे। सीहोर में खबर छपती है 15 मई को, पत्रिका की खबर है कि भोपाल से आए आरोपियों ने किया जनजातीय युवक पर हमला। बुधनी छाना क्षेत्र का मामला था, जहां पे सुलेमान अली, तहजीब खान, यामीन खान, फतेहउल्ला सिद्दीकी और उन्होंने तलवारों के साथ एक जनजातीय युवक के ऊपर हमला कर दिया। किसी तरह युवक ने अपनी जान बचाई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। पत्रिका की खबर है 17 मई 2024 को छपी थी गुना में, इसमें बताया गया था कि अतिक्रमण का विरोध करने पर एक व्यक्ति को घर में घुस के मारा गया। गुना के सैयदपुरा की घटना थी, जहां मेहराज और जुबैर खान ने अतिक्रमण करके रखा था। जब एक हिंदू परिवार ने इसका विरोध किया तो उनके घर में घुस के उन पर हमला किया गया।
इस तरह के और दर्जनों मामले, इस तरह के हर मामले पर आपने आखिरी लाइन में यही सुना होगा कि कार्यवाही की गई। आमतौर पर यह कार्यवाही यह होती है कि पुलिस आजकल बुलडोजर एक्शन की बात करने लगी है, बुलडोजर लेके आरोपी के घर पर खड़ा हो जाया जाता है और उसके बाद कभी चार ईंटें, कभी एक टीन का शेड, और जो अभी हुआ है अभी के मामले में, जिस मामले से हमने मामले की शुरुआत की, भिंड में जहां पर उन घरों को गिराया गया जिनको लेकर एसडीएम साहब खुद कह रहे हैं कि ये तो इतने जर्जर हो गए थे कि कभी भी गिर सकते हैं। क्या भोपाल, क्या मध्य प्रदेश के हिंदू समाज को बुलडोजर एक्शन के नाम पर झांसा दिया जा रहा है? और अगर बुलडोजर एक्शन इतना ही कारगर है तो फिर ये हमले क्यों नहीं रुक रहे हैं? क्यों इस्लामिक हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? ये सिर्फ हिंसा के मामलों की बात नहीं कर रहा, इस तरह के 50 मामले और हैं जिसमें कहीं किसी हिंदू बेटी का अपहरण कर लिया गया, कभी किसी को लव जिहाद के जाल में फंसाया गया, कभी किसी की जान ले लगी। आप इन मामलों को एक बार दोबारा सुनिए, सोचिए, क्या बुलडोजर एक्शन काफी है? और अपनी बात कमेंट करके बताइए। इस तरह के वीडियोस लगातार देखने के लिए आयोग से जुड़े रहिए, इस तरह के वीडियोस आपके लेकर आते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।